हेलो फ्रेंड्स, इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर वीटा टर्नर मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं। आज अपने क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे 101 नंबर का। रेजोनेंट बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित डिस्प्लाइड किया जाता है? ऑप्शन ए में आर से, आर के द्वारा, ऑप्शन बी में बी के द्वारा, ऑप्शन सी में ई, ऑप्शन डी में वी। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बैकलाइट या फिर रेजोनेंट बॉन्ड एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड अपना 102 नंबर क्वेश्चन। ग्राइंडिंग व्हील के फेस में धातु कण फंस जाने को कहते हैं? ऑप्शन ए में लोडिंग, ऑप्शन बी में ग्लेजिंग, ऑप्शन सी में ड्रेसिंग अप, ऑप्शन डी में फेसिंग। तो फ्रेंड्स अपना ग्राइंडिंग व्हील के फेस में जो धातु कण फंस जाते हैं उसे लोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स अपना, अगला क्वेश्चन अपना ए ओब्लिक 46 ओब्लिक एस ओब्लिक 5 ओब्लिक वी में ए क्या प्रदर्शित डिस्प्लाइड करता है? तो फ्रेंड्स इसमें क्या दर्शाई करता है, ए क्या करता है? ऑप्शन ए में ग्रेन साइज, ऑप्शन बी में स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी में बॉन्ड, ऑप्शन डी में एब्रेसिव। तो इसमें अपना फ्रेंड्स अपना एब्रेसी ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। डी अपना एब्रेसिव है जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी विधि सुपर फिनिशिंग विधि है? ऑप्शन ए में बर्निशिंग, ऑप्शन बी में लेपिंग, ऑप्शन सी में होनिंग, ऑप्शन डी में फ्रोस्टिंग। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसमें है ऑप्शन ए बर्निशिंग, अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अपना ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 105 नंबर का, किस कटिंग टूल में असंख्य कटिंग एज होते हैं? ऑप्शन ए में फाइल में, ऑप्शन बी में ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन सी में लेथ मशीन में, ऑप्शन डी में ब्रोचिंग टूल में। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग व्हील, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ग्राइंडिंग व्हील में असंख्य कटिंग एज होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन अपना है, ग्रेन साइज मापे जाते हैं? ऑप्शन में प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन बी में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में ए व बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रति वर्ग इंच, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रति वर्ग इंच में क्या करते हैं हम लोग, ग्रेन साइज को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 107 नंबर का, स्ट्रक्चर नंबर में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में 1 से 12 तक, ऑप्शन बी में 1 से 16 तक, ऑप्शन सी में 12 से 24 तक, और ऑप्शन डी में 9 से 30। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अपना 1 से 16 अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर का, फर्म का चयन निर्भर करता है, फर्म का चयन जो चयन करते हैं किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स? तो फर्म का जो चयन निर्भर करता है, ऑप्शन ए में पाइप की भारी व्यास से, ऑप्शन बी में पाइप की दीवार की मोटाई पर, ऑप्शन सी में पाइप के बोर के व्यास पर, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी पर। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइप के भारी व्यास पर ना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स अपना 109 नंबर क्वेश्चन, ब्रॉन्ज टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडिंग मशीन उपयोग निम्न को बेंड करने में होता है? ऑप्शन ए में पीवीसी पाइप, ऑप्शन बी में कंडक्ट पाइप, ऑप्शन सी में जीआई पाइप, ऑप्शन डी में कॉपर पाइप। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो जीआई पाइप होता है वो क्या करते हैं, ब्रॉन्ज टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंडिंग मशीन में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीआई पाइप। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 110 नंबर का, कॉपर हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन के अंदर का बर्मा निम्न व्यास तक के
पाइप को मोड़ सकता है। ऑप्शन बी में, ऑप्शन वन में देखिएगा, ऑप्शन ए में 40 mm, ऑप्शन बी में 20 mm, ऑप्शन सी में 100 mm, ऑप्शन डी में 75 mm। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 75, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, रैक कोण का उद्देश्य है, रैक कोण का उद्देश्य है, रैक कोण बनाने का उद्देश्य, ऑप्शन ए में कार्यखंड से घिसता हुआ औजार फलक की स्थिति से बचाव करने के लिए, ऑप्शन बी में छीलन को दूर करने में मार्गदर्शन करना, ऑप्शन सी में अच्छी तरह फिनिशिंग प्राप्त करना, ऑप्शन डी में हो जाएगा औजार का जीवन बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा चिल्लन को दूर करने व मार्गदर्शन करने के लिए, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, किसी ब्लैक स्पीच द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पैटर्न और गर्म जॉब की मार्किंग और मेजरिंग करने के लिए प्रकार रूल का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए में नैरो रूल का, ऑप्शन बी में हुक रूल का, ऑप्शन सी में शॉर्ट रूल का, ऑप्शन डी में श्रिंक रूल का। तो फ्रेंड्स अपना कौन सा यूज करते हैं, जो ब्लैक स्मिथ जो पैटर्न बनाने के लिए जो रूल यूज करते हैं, जिस कौन सा रूल यूज करते हैं, श्रिंक रूल, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। श्रिंक रूल का करते हैं पैटर्न बनाने के लिए या फिर ब्लैक स्मिथ शॉप में श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, अगला क्वेश्चन है चीजल या कटिंग एज को थोड़ा उन्नतोधार कॉन्वेक्स रखा जाता है ताकि, ऑप्शन ए में शॉर्प कॉर्नर काटे जा सके, ऑप्शन बी वक्र सतह काटा जा सके, ऑप्शन सी में अंत को टूटने से बचाया जा सके, ऑप्शन डी में शॉर्प किया जा सके। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंत को टूटने से बचाया जा सके, ऑप्शन डी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा अंत को टूटने से बचाया जा सके। क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो यदि हम एक साइड से काटते जाते हैं तो एंड में क्या होता है, वहाँ से मेटल थोड़ा टूट जाता है, तो मेटल टूटे नहीं इसलिए क्या करते हैं हम लोग, तो उसको शॉर्ट कॉन्वेक्स बनाते हैं चीजल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, कटिंग द्रव का मूल कार्य है, ऑप्शन ए में सफाई व स्नेह करना, ऑप्शन बी में छीलन हटाना तथा स्नेह करना, ऑप्शन सी में औजार तथा कार्यखंड को ठंडा करना, ऑप्शन डी में कर्तन क्षेत्र को ठंडा करना और छीलन को बाहर ले जाना। तो फ्रेंड्स अपना इसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये क्या करता है, जो कटिंग द्रव होता है वो क्या करता है, कर्तन क्षेत्र को ठंडा करता है यानी टूल को और जो को ठंडा करता है तथा छीलन को बाहर ले जाता है, जो चिप्स होते हैं उनको अपने साथ कटिंग द्रव क्या करते हैं बाहर ले जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, डलुआ लोहे को सामान्यतः खरादने का कार्य निम्न ढंग से किया जाता है, ऑप्शन ए में शीतल द्रव के रूप में घुलनशील तेल का इस्तेमाल करके, ऑप्शन बी में सुखाई प्रयोग किया जाता है ड्राई इज यूज ओनली, ऑप्शन सी में शीतल द्रव के रूप में शुद्ध तेल का प्रयोग करके, ऑप्शन डी में शीतल द्रव के रूप में जल का प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स जो कास्ट आयरन होता है उसकी जब टर्निंग करते हैं या टर्निंग फेसिंग ड्रिलिंग जो भी ऑपरेशन करते हैं हमें उसे उसके लिए कोई भी कटिंग द्रव का प्रयोग नहीं करते, ओनली सूखी हवा का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें क्या अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स अपना, फिलर गेज का उपयोग के लिए होता है, ऑप्शन ए में छेद की सटीकता की जाँच करने के लिए, ऑप्शन बी में सतह खुरदेपन की जाँच करने के लिए, ऑप्शन सी में मैचिंग पार्टों के बीच की दूरी जांचने के लिए, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अपना इसमें राइट आंसर होता है मैचिंग पार्टों के बीच की दूरी जांच करने के लिए क्या करते हैं हम, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अपना ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स अपना, चिन्ह के लिए प्रयुक्त हथौड़े का वजन निम्न होता है, ऑप्शन ए में 250 ग्राम, ऑप्शन बी में 500 ग्राम, ऑप्शन
सी में 1 kg, ऑप्शन डी में 2 kg। तो फ्रेंड्स, जो मार्किंग करने के लिए जो इस हैमर का प्रयोग किया जाता है, वो हैमर का जो वजन होता है, ऑप्शन ए में 250 ग्राम राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 250 ग्राम के होते हैं, मार्किंग करने हैमर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जीआई पाइप स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए में 2 मीटर, ऑप्शन बी में 4 मीटर, ऑप्शन सी में 6 मीटर, ऑप्शन डी में 10 मीटर। तो फ्रेंड्स, अपना जो जीआई पाइप होते हैं वो स्टैंडर्ड लंबाई में पाए जाते हैं। कितनी लंबाई में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो एक जो जीआई पाइप होते हैं वो 6 मीटर, 6 मीटर में पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड लंबाई 6 मीटर में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पाइप का प्रयोग एसिड पाइप लाइन में किया जाता है? ऑप्शन ए में लेड पाइप, ऑप्शन बी में कॉपर पाइप, ऑप्शन सी में कास्ट आयरन पाइप, ऑप्शन डी में कैनवास पाइप। तो फ्रेंड्स, अपने इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो लेड पाइप होते हैं वो एसिड पाइप लाइन में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, लेड पाइप। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, पानी के बहाव को कंट्रोल करने में प्रयोग जो ऑप्शन ए में स्टेप वाल्व, ऑप्शन बी में ग्लो वाल्व, ऑप्शन डी में रिड्यूसर वाल्व, ऑप्शन सी में रिड्यूसर वाल्व, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्लो वाल्व होता है पानी के बहाव को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। जो ग्लो वाल्व होता है अपना क्या करता है, पानी के बहाव को कम करता है। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो ग्लो वाल्व होता है पानी के बहाव को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, नॉन रिटर्न वाल्व पानी की सप्लाई करता है, ऑप्शन ए में इन वन डायरेक्शन, ऑप्शन बी में इन बोथ डायरेक्शंस, ऑप्शन सी में इन फोर डायरेक्शंस, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ऑप्शन इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इन वन डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व पानी की सप्लाई क्या करता है, वन डायरेक्शन में करता है। कौन डायरेक्शन कर रहा है, वन डायरेक्शन में, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए अपन, 122 नंबर क्वेश्चन, जीआई पाइप की मोटाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो जीआई पाइप होता है उसकी मोटाई ज्ञात करने का जो सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए में डी बड़ा डी माइनस छोटा डी अपॉन फोर, ऑप्शन बी में बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर बड़ा टू, ऑप्शन सी में बड़ा डायमीटर माइनस बड़ा डायमीटर अपॉन टू, ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर अपॉन टू, अपना राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो जी आई पाइप की जो मोटाई ज्ञात करने का सूत्र होता है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, दो पाइपों को एक ही रेखा में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए में स्टॉप वाल्व, ऑप्शन बी में ग्लो वाल्व, ऑप्शन सी में रिड्यूसर सॉकेट, ऑप्शन डी में सॉकेट। तो फ्रेंड्स, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सॉकेट होता है वो क्या करता है, दो पाइपों को जोड़ता है, दो पाइपों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक ही रेखा जोड़ने के लिए सॉकेट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण होता है, तो फ्रेंड्स अपने पाइप थ्रेड का जो शीर्ष कोण होता है, ऑप्शन ए में 30 डिग्री, ऑप्शन डी में 45 डिग्री, ऑप्शन सी में 55 डिग्री, ऑप्शन डी में 120 डिग्री। तो फ्रेंड्स, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 डिग्री अपना राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अपना 125 नंबर का, पानी की पाइपलाइन को यदि कहीं बार बार खोलने व कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए में स्टॉप वाल्व, ऑप्शन बी में ग्लोब वाल्व, ऑप्शन सी में रिड्यूसर सॉकेट, ऑप्शन डी में यूनियन। तो फ्रेंड्स, अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूनियन। चेक करते हैं, यदि पानी की पाइपलाइन को यदि कहीं बार बार खोलने व कसने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर
यूनियन का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यदि क्लास में क्वेश्चन आए, यदि आपको अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।